राहुल शिवा धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर अंतरराज्य विवाद लंबे समय से लटका हुआ है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के साथ 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया है, जिसमें बेलगांव, उत्तर कन्नड़, बीदर और गुलबर्गा और बेलगांव, कारवार और निपानी के शहरों में 814 गांव शामिल है। ये सभी क्षेत्र मुख्य रूप से मराठी भाषी है और महाराष्ट्र चाहता है कि उनकी राज्य के साथ विलय कर दिया जाए। विवाद की उत्पत्ति 1956 में भाषाई और प्रशासनिक कारणों के साथ राज्यों के पुनर्गठन में निहित हुई। पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक बहुभाषी प्रांत जिसमें वर्तमान कर्नाटक में विजयपुरा, बेलगांव, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले शामिल थे। 1948 में बेलगांव नगरपालिका ने अनुरोध किया कि मुख्यतः मराठी भाषी आबादी वाले जिले के प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया जाए। हालांकि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने बेलगांव और बॉम्बे राज्य के 10 तालुकों को तत्कालीन मैसूर राज्य, जिसे 1973 में कर्नाटक का नाम दिया गया था, का एक हिस्सा बना दिया। सीमाओं का सीमांकन करते हुए राज्य आयोग के पुनर्गठन ने मैसूर में 50% से अधिक कन्नड़ भाषी आबादी वाले तालुकों को शामिल करने की मांग की। अभी यह मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रलंबित है और 17 मार्च 2020 को इसकी सुनवाई होनी थी, जो कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई की तारीख कोविड-19 के वैश्विक विवाद के कम होने के बाद ही तय की जाएगी। विभिन्न कारणों के कारण 23 जनवरी 2017 के बाद सुनवाई नहीं की जा सकी। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है, जब तक सर्वोच्च न्यायालय विवाद पर फैसला नहीं देता, तब तक क्षेत्र इस पूरे बेलगांव, कारवार, ये पूरे क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। और यह मांग महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने भी की है। धन्यवाद।